अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां कलेक्टर की जनसुनवाई में पीड़ितों को तुरंत न्याय मिलने के कई मामले सामने आने के बाद अब यहां पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जनसुनवाई में यह पहला मौका था जब अंदर हॉल व बाहर कॉरिडोर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ बढ़ने का खास कारण कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा शाम तक लोगों की सुनवाई कर उनकी समस्या तुरंत हल करते रहे। उन्होंने कोरोना से अनाथ हुए एक किशोरी को कॉलेज आने जाने के लिए नई एक्टिवा दिलवाई, एक महिला को रोजगार के मद्देनजर सिलाई मशीन भेंट की तथा 7 दिव्यांगों को मौके पर ही लैपटॉप उपलब्ध कराए। दरअसल सिस्टम के तहत कलेक्टोरेट, पुलिस, नगर निगम सहित संबंधित विभागों में हर मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक की ही जनसुनवाई होती है। नतीजन सैकड़ों पीड़ितों का नंबर नहीं आता और उन्हें अगले मंगलवार का इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर 2 महीने पहले इंदौर कलेक्टोरेट में SDM द्वारा समस्या लेकर आए एक दिव्यांग को चांटा मारने के बाद अधिकारियों के रवैये में भी बदलाव आया है। इसका नतीजा यह हुआ कि कलेक्टोरेट में अब हर मंगलवार को भीड़ बढ़ती जा रही है। संभवत जनसुनवाई में आने वाले पीड़ितों की यह सबसे ज्यादा संख्या रही। जनसुनवाई में कुछ ऐसे मामले आए जिसमें कलेक्टर ने मानवीय संवेदना जताते हुए तत्काल राहत दिलाई। मामला एक प्राकृति नामक किशोरी का है जिसके माता पिता की पिछले साल कोरोना में मौत हो गई थी। उक्त किशोरी की परेशानी यह थी कि उसका एडमिशन विजयनगर स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। सुदामा नगर में रहने वाली उक्त किशोरी को कॉलेज आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी समस्या पिछले दिनों कलेक्टर को बताई तो उन्होंने गंभीरता साथ समस्या को सुना और अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। इस बार जनसुनवाई में कलेक्टर SDM अभय बेडेकर व अजय देव शर्मा ने उसे नई टू व्हीलर की चाबी दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किशोरी ने कहा कि कलेक्टर ने मेरे माता पिता का फर्ज अदा किया। मेरा भी फर्ज है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जरूरतमंदों की सेवा करूंगी और इस कर्ज को उतारूंगी। इसी कड़ी में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के 7 दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए। योजना में ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जिन्होंने 9वीं कक्षा 50% अंक से उत्तीर्ण की है या ITI में कोपा ट्रेड में प्रवेश लिया हो, उन्हें लैपटॉप दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत वर्ष 2020 में 55 लैपटॉप एवं 2021 में 42 लैपटॉप वितरण किया गया। जिन्हें आज लैपटॉप मिले उनमें मूल बधिक संगठन के सलमान मुल्तानी, गोविंद मालाकार, मुस्कान जायसवाल सवालिया तथा शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित संस्था की कबाई इडला डाबर लखन बद्रीलाल तथा राजू मंगीलाल शामिल है। लैपटॉप मिलने से उक्त सभी बच्चे खुशी से सरोबार थे। जनसुनवाई में बेसहारा वृद्धा सावित्री देवी ने अपनी व्यथा सुनाई कि नैनोद में किराए के फ्लैट में रहती है। यह नगर निगम की मल्टी है, यहाँ मकान मालिक उससे किराया वसूला करते हैं। वह सिलाई करके अपना जीवन यापन करती है, कमाई का सभी पैसा किराए में लग जाता है, ऐसे में खाने की दिक्कत होती है। कलेक्टर ने उसकी समस्या को गंभीरता के साथ सुना और कहा कि उक्त मकान जब किसी और को आवंटित है और वह उसमें निवास नहीं कर रहा है तो यह अवैधानिक है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए कि उनके तुरंत जाँच की जाए। जाँच में मकान मालिक द्वारा अवैध रूप से फ्लैट किराए पर दिया गया है तो उसे फ्लैट को इस वृद्ध महिला को तुरंत सौंप दिया जाए। इसके साथ ही महिला ने बताया कि इस उम्र में भी वह पूरी तरह स्वस्थ है, सिलाई का कार्य आसानी से कर लेती है, परंतु उसके पास मशीन नहीं है। कलेक्टर ने जनसुनवाई में ही नई मशीन बुलवा कर महिला को सौंपी। जनसुनवाई में अधिकांश प्रकरण संपत्ति विवाद, प्लाट, पारिवारिक विवाद आदि से संबंधित आए।